छत्तीसगढ़ की कबीरधाम में भाजपा नेता की हत्या के आरोपी प्रशांत साहू की मौत पर कांग्रेस ने 21 सितंबर को प्रदेश बंद का ऐलान किया है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री विजय शर्मा से इस्तीफा देने की मांग भी की है। इसी कड़ी में शनिवार को संपूर्ण सुकमा जिले में बंद का असर देखने को मिला। सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता जिले से लेकर गाँव तक बंद करवाते दिखे। कांग्रेसियों ने दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। वही बंद को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में बंद का आह्वान किया गया। उसी दरमियान सुकमा जिले में भी कवर्धा कांड को लेकर जो गृह मंत्री का जिला है, गृह मंत्री का विधानसभा है, वहाँ इतनी बड़ी घटना हुई जहाँ पुलिस कस्टडी में निर्दोष साहू समाज के दो लोगों की मृत्यु हुई है पुलिस कस्टडी में। और बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो गृह मंत्री का जिला होते हुए वहाँ पे आम पब्लिक सुरक्षित नहीं है, तो पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। हम यही मांग करते हैं कि गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनको कानून व्यवस्था के बारे में ना कोई जानकारी है, ना कोई कानून व्यवस्था को संभालने के योग है। पूरे प्रदेश में लचर व्यवस्था हो चुकी है, आए दिन हत्या, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है। आज खुलेआम रायपुर जैसी सिटी में हत्या होते जा रही है। अब कहीं ना कहीं इसमें सरकार की नाकामी के कारण पूरे प्रदेश में इस तरह का जो हत्या, लूट, बच्चे चोरी, अन्य ऐसे कुछ बहुत से मामले हैं जो इस 8 महीना में जो भाजपा सरकार आते ही इतनी बड़ी घटना होना, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसमें सभी सुकमा जिला के व्यापारी बंधुओं का और छोटे जो व्यापारी है उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सफलतापूर्वक बंद को सफल बनाने में सहयोग किया।